हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी जॉइंट और नी जॉइंट रिप्लेसमेंट के बारे में। नी रिप्लेसमेंट एक बहुत ही कॉमन सर्जरी हो चुकी है आज की डेट में, जहां पर पेशेंट्स के रिजल्ट्स 98% तक सक्सेसफुल हैं। ये सर्जरी उन लोगों को जिन लोगों को सीवियर आर्थराइटिस होता है उनको प्रेस्क्राइब की जाती है। पेशेंट को अगर दोनों घुटनों में सर्जरी की जरूरत है तो दोनों भी एक साथ किए जा सकते हैं या वन बाय वन भी किया जा सकता है। अगर पेशेंट को कोई कोमॉर्बिड कंडीशन ज़्यादा ना हो, पेशेंट की एज 70 से नीचे हो और इंडिकेटेड है कि दोनों घुटनों में अगर सीवियर पेन है तो ये दोनों घुटने एक साथ भी किए जा सकते हैं। यूजुअली इस सर्जरी का स्टे हॉस्पिटल में 3 से 4 दिन रहता है। पेशेंट की सर्जरी में हम, जैसा कि नाम बोलते हैं नी रिप्लेसमेंट, पूरा सरफेस नहीं चेंज करते, केवल उसका आर्टिकुलर कार्टिलेज रिमूव करते हैं, उसमें एक स्लॉट बनाते हैं, फीमर बोन में एक स्लॉट लगाकर मेटल कैप लगाते हैं। सिमिलरली नी के ऊपर भी उसका आर्टिकुलर कार्टिलेज को हटाकर एक मेटल कैप टिबिया में लगाते हैं और बीच में एक हाईली क्रॉसलिंक ट्रॉली वो इंसर्ट करते हैं। कुछ पेशेंट्स में नी कैप को भी रिप्लेस किया जाता है, जिसको बोलते हैं पटेला रीसर्फेसिंग। इस सर्जरी में पेन बहुत ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि इसके लिए जो एनेस्थीसिया दिया जाता है उसको बोलते हैं एपिडुरल एनेस्थीसिया, उससे पेन काफ़ी कंट्रोल रह जाता है। इस सर्जरी में पेशेंट को अगले ही दिन सर्जरी के बाद मोबिलाइज किया जाता है, उसकी एक्सरसाइज शुरू कर दी जाती है एंड विद इन फ्यू डेज पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। यूजुअली पेशेंट का स्टे हॉस्पिटल में 3 to 4 days रहता है। 14 days पे पेशेंट के स्टिचेस रिमूव हो जाते हैं एंड विद इन 2 weeks पेशेंट स्टेज भी क्लाइम करने लग जाता है। तो ये काफ़ी सक्सेसफुल सर्जरी है। फॉर दोज पेशेंट्स हु हैव बीन प्रिस्क्राइब दिस सर्जरी, दे कैन ईजिली अंडरगो दिस सर्जरी। दिस इज ए ट्राइड एंड टेस्टेड सर्जरी। Patients recover very well and they improve upon their social lifestyle. Thank you.